पिछले वीकेंड हम स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए आ गए थे ACS लेआउट। वैसे तो सब लोग मीठा सबसे लास्ट में ट्राई करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं, इसलिए हम आ गए थे होली के माने। यहाँ पे तरह तरह के होली के बनते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के। आप देख सकते हैं मेन्यू में इतने सारे होली के वैरायटीज़ थी। कोई था कैरेट फील्ड होली के, कोई था खरजुआ, कोई था चॉकलेट। तो ये चपाती बनाने का तरीका आप देखिए कितने अच्छे से ये लोग बनाते हैं। रोटियों के अंदर फिलिंग कर दी जाती है और उसके बाद में इसे एक प्लेन सरफेस पर रखकर और प्लास्टिक के कवर से करके बेलन से बेल करके इसे बनाते हैं। ये लाइव बन रहा था और काफ़ी गर्म था, हमने ये बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा। ये चूँकि गर्मा गर्म बनता रहता है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये बनने के बाद में इसमें घी डालने का रिवाज है। जब तक ये बन रहा था हमने सोचा चलो कुछ स्नैक्स आइटम ट्राई कर लेते हैं। तो सेम शॉप में आप देखेंगे तरह तरह के स्नैक्स थे। यहाँ पे पूरे इंडिया के हर एक पार्ट से अलग अलग टाइप के स्नैक्स थे। जैसे कर्नाटक से आप देखेंगे तो ये चकली, कजाया, इसे कजाया बोलते हैं, वो कजाया है, बकरबेरी, ये पीनट वाला स्नैक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर स्टेट से, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, MP हो या कोई भी जगह हो, हर जगह से हर कुछ अवेलेबल था। यहाँ पे बिहार के तिल के लड्डू, लाई, ये कटहल के चिप्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उनमें से कुछ स्नैक्स आइटम हमने खरीद लिए। खरीदने के बाद हम आ गए अपना देखने के लिए कि हमारे ऑर्डर का क्या हुआ। भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने भैया को याद दिलाया कि ये मेरा ऑर्डर है, पहले इसे जल्दी से रेडी कर दीजिए। फिर भैया ने जल्दी बना करके दिया। ये हमारा बटर भी है और ये है मैंगो। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम वहाँ पे इसे खा नहीं पाए, हमें साइड में लेके आना पड़ा और साइड में ला करके हमने इसे ट्राई किया। ये खोया खोया होली गे और ये मैंगो होली गे। यम्मी यम्मी। दोनों काफी गर्म था लेकिन टेस्ट में क्या बताएं, इसे आप एक्सपीरियंस जरूर कीजिए एक बार जा करके। यहाँ पे ACS लेआउट में होली के माने करके ये शॉप है। सुपर यम्मी, मैंगो वाला टेस्ट करते हैं। होली के ट्राई करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा था तो हमने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम आ गए अपने बिहारी लिट्टी चोखा वाले शॉप पे। यहाँ पे अंकल गर्मा गर्म लिट्टियाँ सेक रहे थे और बहुत सारी लिट्टी पहले से बना करके रखी हुई थी, तो हमने गर्मा गर्म लिट्टी का ऑर्डर दिया। भैया बैगन का चोखा है, आलू, बैगन, टमाटर, इधर से बिहार से, भैया गोरखपुर से, मुजफ्फरपुर से है। अंकल ने उसे बना करके रेडी किया और आप देख सकते हैं कैसी लिट्टी को इन्होंने घी में डुबो दिया पूरा और ऊपर से भी घी डाला। लिट्टी का असली मज़ा घी के साथ ही आता है। जब ऐसे लिट्टी आग पे सेक करके खाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। लिट्टी वैसे तो तेल में भी बनाई जाती है फ्राई करके, लेकिन वो असली बिहारी लिट्टी नहीं है। असली बिहारी लिट्टी यही होती है जिसमें सत्तू भरा हुआ होता है और आग पर सेक करके इसे धीमी आँच पर पकाया जाता है और फिर घी में डुबो कर खाया जाता है। लिट्टी चोखा खाने के बाद में हमारा मन नहीं भरा तो हमने ट्राई किया नूडल्स। नूडल्स के लिए हम आ गए थे ACS लेआउट में ही, द नूडल्स फैक्ट्री में। आप अपना नूडल्स खुद से बना सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले नूडल्स सेलेक्ट करने हैं, फिर प्रोटीन आइटम जैसे कि टोफू, पनीर। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के वेजेस थे, सब्जियाँ, जिसमें से आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना बाउल रेडी कर सकते हैं। सॉस भी आप अपना चॉइस का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद में जब हमारा नूडल बन के आया तो ये कुछ ऐसा दिखता था। ये हमने ब्लैक पेपर नूडल्स ऑर्डर किया था इसलिए थोड़ा स्पाइसी था खाने में। हमारे बच्चे ने कम ही खाया ये, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टेस्टी था और हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी कभी ACS लेआउट आइए तो ये नूडल्स ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।